हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस घर में 5 मिनट में कैसे तैयार करते हैं मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। मुझे 2 मीडियम साइज के पिज्जे तैयार करने हैं, जिसके लिए मुझे 5 टमाटरों की सॉस तैयार करनी है। इसीलिए मैंने लिए है 5 टमाटर, 3 से 4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 3 प्याज और 9 से 10 कलियां लहसुन लिया है। इन टमाटरों को मैंने 4 हिस्सों में काटा है। अब हम टमाटर, प्याज और लहसुन को ग्राइंड करेंगे। इसके साथ ही मैं चिल्ली फ्लेक्स भी डालूंगी। मसाला हमारा बनके रेडी है, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। मसाला हम सरसों के तेल में तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें डालेंगे। दो मिनट भूनने के बाद मैं इसमें नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालूंगी। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसको 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी ताकि जो इसका पानी है जो थोड़ा सूख जाए। आप चाहे तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के भी पका सकते हैं। मैं भी इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठा के देखूंगी। देखिए, हमारी पिज्जा सॉस बनके रेडी है। रेसिपी हमारी बनके रेडी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।